मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 किस तरह से चांद के ऊपर लैंड करता हुआ आपको दिखेगा। इसी के अंतर्गत पूरा हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने पद्धति से पूजा कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम भी पूजा कर रही है और इच्छा व्यक्त कर रही है कि ये चंद्रयान 3 सक्सेस हो। अब इसरो ने अपना काम कर दिया और करते जा रहे हैं। एक एक सेकंड बहुत भारी पड़ रहा है। आशा है कि सब सुखम हो। इसी के संबंध में एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि जैसे सेतुबंध रामेश्वरम, श्री राम ने जब वहाँ समुद्र के ऊपर लंका जाने के लिए फ्लोटिंग ब्रिज, एक तरह से बोल सकते हैं, तैरते हुए पत्थरों को डालकर ब्रिज बनाना शुरू किया, उसमें एक पंक्ति आती है कि एक छोटी सी गिलहरी उस पुल बनाने के कार्य में दौड़ के जाती, अपने शरीर को रेत से भर लेती और फिर जाके पुल के ऊपर झाड़ देती अपना शरीर, फिर पानी में डुबकी लगाती, फिर रेत के ऊपर जाती और फिर वहाँ से रेत उसके शरीर में जो चिपक जाता उन पुलों के ऊपर पत्थरों के बीच में डालना शुरू कर दी। रामचंद्र जी इस चीज़ को देख रहे थे और गिलहरी को बुला के पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और इतने से रेत से क्या होगा। उसका जवाब ये था कि इन पत्थरों के बीच में जो गैप रह जाएगा उसमें शायद किसी का पैर फिसले और आपका चरण में तकलीफ आ जाए, उसकी रक्षा करने के लिए मैं रेत भर रही हूँ। श्री रामचंद्र जी का कहना था कि इतने रेत से क्या होगा, तो उसका एक ही जवाब था कि इसके रेत से हो ना हो उसकी परवाह नहीं, लेकिन सेतुबंध रामेश्वरम के रेत भरने या कोई भी बंध को पूरा करने में मेरा नाम भी उसमें जुड़ जाएगा। बस यही मेरी इच्छा है। यही कारण है कि पूरा हिंदुस्तान मिलके ये अपनी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम किस तरह का सहयोग दें। इसी वजह से एक एक कण हिंदुस्तान का इस चंद्रयान 3 को पूरा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। इसी के साथ ही चित्रवार मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बाधाओं को हमारा चंद्रयान 3 पार कर चुका और आगे कितनी बाधाएं और अभी भी फेस करनी है, जिसका अभी विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस चित्र के अनुसार आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में कौन कौन सी अभी तक समस्याएं आई। ये पहली समस्या आप देख रहे हैं। चंद्रयान 3 की तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 18 जुलाई की दोपहर में सफलतापूर्वक की गई। 222x41604 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में था और अब 228x51400 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमते हुए इसके सामने कौन कौन से दिक्कतें आई इतनी तेज गति से घूमने के कारण, ये पहला आपको बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं कौन सी समस्या आई। पहली दिक्कत, कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट तेजी ग्रेविटी के खिलाफ जाना चाहता है, ग्रेविटी उसे रोकती है। सैटेलाइट को धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनानी ही पड़ती है। ये दूसरी समस्या मैंने बताई कि चंद्रयान को पृथ्वी से ऊपर जाने के लिए करीब करीब 41,000 किलोमीटर की स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी हर चीज़ अपने तरफ आकर्षित करती है। अब जानते हैं तीसरी समस्या। हमारा तारा यानी सूर्य कभी भी शांत नहीं रहता, इस समय तो ज़्यादा ही आग उगल रहा है। इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट को ख़त्म कर देते हैं। तेज जियोमैग्नेटिक तूफान से यानी सौर तूफान से सैटेलाइट के यंत्र खराब हो सकते हैं या फट सकते हैं। सैटेलाइट पर सुरक्षा के लिए कवर लगा रहता है, लेकिन सूरज से निकलने वाले तीव्र चार्ज पार्टिकल्स कवच को खराब कर सकते हैं। ये समस्या हमारी तीसरी थी।
इसके बाद हम चलते हैं चौथे चित्र के अनुसार आने वाली समस्याओं के ऊपर। चौथी बाधा ये है कि अंतरिक्ष की धूल यानी स्पेस डस्ट, इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बुलाते हैं, ये स्पेस क्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इनकी वजह से अंतरिक्षयान खराब हो सकता है या फिर आंशिक रूप से काम करना बंद कर सकता है। अब चलते हैं पांचवी समस्या के ऊपर। ये पांचवा प्रॉब्लम टक्कर किसी भी इंसानी सैटेलाइट या फिर उल्कापिंड या अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर। पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, खास तौर से वो सैटेलाइट जो अब निष्क्रिय हो चुके हैं लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगा रहे हैं। इससे चंद्रयान 3 को खतरा होने की संभावना थी। साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट को ऐसे ही एक अंतरिक्ष के कचरे से हुई टक्कर से बर्बाद हो गया था। इसके बाद चलते हैं छठी समस्या के ऊपर। छठी दिक्कत है गलत ऑर्बिट में जाना। अगर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला गया होता तो उसे सही करने में काफ़ी समय, क्षमता और ताकत लगती। ऐसे करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ना था, ईंधन की कमी हो जाती, ऐसे में मिशन जल्दी ख़त्म हो जाता, पकड़ में नहीं आता तो अंतरिक्ष में लापता हो सकता था। अब चलते हैं सातवीं समस्या के ऊपर। सातवीं समस्या, चंद्रयान 3 इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन, ये यान के अंदरूनी हिस्सों पर असर डाल सकते थे। पेलोड यंत्र खराब हो सकते थे जिससे उनका संपर्क धरती से टूट सकता था, कोई एक या किसी हिस्से का काम करना बंद कर सकता है जो हमारे मिशन को प्रभावित कर सकता है। आठवीं बाधा ये है, धरती के वायुमंडल के ऊपर जाते ही तापमान बहुत तेजी से गिरता है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, वहीं रात 100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अगर चंद्रयान या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो खराब हो सकता था। नौवीं बाधा ये आती है कि पृथ्वी के स्पेस से ऊपर जाते ही कोई GPS सिग्नल हमारा काम नहीं करता, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसमें बहुत से पार्टिकल्स, कई प्रकार की किरणें इसके ऊपर बाधा होती हैं और उसके ऊपर समय के ऊपर प्रक्षेपण करना, थ्रस्ट देना, विस्फोट करना, ये कई बार कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती थी। इन सभी चीज़ों को पार करके हमारा चंद्रयान 25x100 किलोमीटर की ऑर्बिट, ये सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। इन केस कल 23 को 6:04 पर से 2 घंटे पहले ही जो लैंड करना है उसके 2 घंटे पहले ही पुनर्निरीक्षण किया जाएगा यहाँ इसरो से कि हमारी स्थिति, यान की स्थिति क्या है, लैंडर की स्थिति क्या है और वहाँ का धरातल, वहाँ का क्रेटर कैसा है, वहाँ लैंड करने के लिए योग्य है कि नहीं, तस्वीर ये भेजेगा और तब लैंड किया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कल का लैंड कैंसिल करके और फिर 4 दिन बाद 27 को ये दोबारा सही जगह चुन के वहाँ पर लैंड करेगा। ये सबसे बड़ी आने वाली समस्या है। यही कारण है कि पूरा देश, जितने भी स्पेस सेंटर हैं वर्ल्ड के जिसके साथ हमारा टाई अप है, सभी इसको सक्सेस करने के उद्देश्य से सब अपने काम में लगे हुए हैं। इस प्रकार अगर हमारा चंद्रयान 3 कल को लैंड हो जाता है तो एक भारत के लिए बहुत ही खास बात है कि भारत के चंद्र अभियान को जो बात खास बनाती है वह है 24 अगस्त को चंद्रमा 3 का मिशन रोबोटिक अपने सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर कर पाए। जिस जगह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर सूरज की किरणें कभी कभी आती हैं और जिस जगह पर उतरने वाला है हमारा चंद्रयान 3, उस जगह को
हम बोलते हैं शेकलेटॉन, शेकलेटॉन क्रेटर। ये क्रेटर से खुद ही स्थापित होता है कि वहाँ पर बड़ी उबड़ खाबड़ चीज़ होगी, और ऐसे जगह को ही, इसी जगह को खजाना मानकर सारा दुनिया में होड़ लगी है कि वहाँ हम पहुँच जाए किसी तरह से। यहाँ पर सबसे खास एक बात और है जो एंगल हम देख पा रहे हैं कि हमारा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा है वो केवल 1.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के झुकाव पर है, और ऐसे में वहाँ पर हमेशा छाया रहती है, सूरज की किरण नहीं पड़ती। इस वजह से वहाँ पर का तापमान -267 डिग्री हो जाता है, जो कि बहुत ही कम है। ऐसे में कई उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए विकसित किया गया है चंद्रयान 2 के जो विक्रम लैंडर की कमियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, और प्लान ए प्लान बी हर चीज़ को देखते हुए काम किया गया है। जैसा कि हम बता रहे थे कि 23 को नहीं लैंड हुआ तो 27 को लैंड किया जाएगा, ये प्लान बी हो जाएगा, और सफलता की 99.9% गारंटी है। इसीलिए हम सबका सहयोग इसरो को मनोबल प्रदान करने वाला है, और भारत का एक चिन्ह लेके गया है, स्तंभ, अशोक स्तंभ लेके, और उस जगह पर स्थापित करने की योजना है। ईश्वर करे वो स्थापित हो जाए और भारत का झंडा बुलंद हो। इसी के साथ ही हम अपना समापन चाहते हैं और भारत माता की जय के साथ अपने वीडियो का अंत करना चाहते हैं। अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।